सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, जब आप पीसीसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है, उसके बिना आप जो पीसीसी का फॉर्म है वो पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इस वीडियो के अंदर आप पीसीसी का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस बताया गया है। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो को स्किप ना करें। और अगर मेरे चैनल पहली बार है तो मेरे चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। अगर आपको वीडियो के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करते जिससे कि आपको इसी तरह से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहती है। सो वीडियो को स्टार्ट करते चलते अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर। जैसा कि हम फ़ोन की स्क्रीन पर आ गए, जैसा कि यहाँ पे सर्टिफिकेट दिखाया जा रहा है, ये एक सिविल डिफेंस के अंदर ये मांगा जाता है सर्टिफिकेट, इसको पीसीसी सर्टिफिकेट कहते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, ये आपको अच्छे से फिल करना है जब भी आपका जो है पीसीसी आपका कंप्लीट होगा। जैसे कि यहाँ पे मिस एम एस दिखाया जा रहा है, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है, जो व्यक्ति पीसीसी का फॉर्म अप्लाई कर रहा है यहाँ पे उसका नाम लिख देना। लिखने के बाद आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है एड्रेस, यहाँ पे आरओ मतलब होता है अपना एड्रेस लिखना, पूरा जो आधार कार्ड में एड्रेस है वो यहाँ पे अच्छे से फिल कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पे फिल कर चुका हूँ। ये करने के बाद आपको यहाँ पे डेट दिखाया जा रहा है जब जिस दिन को आप पीसीसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे इसका डेट लिख देना। जैसे कि यहाँ पे मैं 23 तारीख को अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 23 तारीख लिख दे रहा हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे इसको स्कैन कर लेना। स्कैन करने के बाद आपको पीडीएफ जो जिसमें आपको ये मांग रहा है, पीडीएफ या जेपीजी में मांग रहा है उसमें आपको ये सेव कर लेना। करने के बाद आपको सिंपली आपको पीसीसी में जाना है, वहाँ पे अपलोड कर देना। वीडियो आपको थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि आपके दोस्तों को भी जानकारी मिल जाए कि पीसीसी का ये फॉर्म कैसे भरते हैं।